नमस्कार, ओम शांति। एको ऑफ पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नवंबर माह में अब तक पीस न्यूज से 248 समाचार प्रसारित हुए। इनमें से 7 मुख्य समाचार थे, वो ये है। आईआईटी दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा युवाओं के लिए डिजाइन योर डेस्टिनी कार्यक्रम का आयोजन। नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र में पहुंची बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला, राजयोग मेडिटेशन से हुई आकर्षित। भोपाल में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर हुई बैठक। सड़क सुरक्षा जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हुआ समापन। अभियान के प्रतिभागियों को मिला सम्मान। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG जवानों को गुरुग्राम में ब्रह्मा कुमारी के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने सिखाया तनाव मुक्त रहना। मिस्र में चल रही COP27 कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मा कुमारीज ने की भागीदारी। लिसेस्टर के हार्मनी हाउस में वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस के मौके पर मल्टी फेज श्रद्धांजलि सभा, बड़ी संख्या में शामिल हुए प्रशासन अधिकारी और सिख वेलफेयर कम्युनिटी के दिग्गज। द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना। इन सब समाचारों में से हमारी रिसर्च टीम ने आज एक ऐसे समाचार को चुना जिसकी गूंज बहुत अधिक रही, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 6 नवंबर 2022 को मिस्र में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित हुआ क्लाइमेट चेंज पर 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। वर्ष 1995 से UNFCCC की इस वार्षिक बैठक का लगातार आयोजन होता आ रहा है। इस बार यह सम्मेलन मिस्र में हुआ, जिसमें लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों और कई ऑर्गेनाइजेशन के मेजबानों ने हिस्सा लिया, जिनमें ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी। ब्रह्मा कुमारी संस्था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूनाइटेड नेशन की सदस्य है, इसीलिए प्रतिवर्ष होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्था बतौर सलाहकार के रूप में शामिल होती है। इस बार ब्रह्मा कुमारी संस्था का प्रतिनिधित्व बीके मॉरेन समेत कई बीके सदस्यों की टीम ने किया। यदि आपने देखा हो कि मौसम का कुछ अदली बदली होता जा रहा, जब हम समझते हैं कि गर्मी होनी चाहिए तभी कहाँ से ठंडी हवा आ जाती, जहाँ पर ठंडी होनी चाहिए वहाँ अचानक ही बहुत गर्म मौसम बन जाता, कहाँ पर बहुत समय से पानी नहीं आता और दूसरे तरफ जब पानी आता तो बाढ़ के समान आता। तो ये सब जो प्रकृति की हम देखते हैं उथल पाथल हो रही है, उसका कारण क्या? उसका कारण हम मानव, और हम सभी ने जिस तरह से अपने जीवन को बहुत आराम सुविधाएं संपन्न बना करके रखा है, उसमें भी खास करके जिसको कहते हैं कंज्यूमर सोसाइटी, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, जिसमें हम अपने पास खूब सारा जमा करते जाते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते जाते हैं। आप देखेंगे कि आज का प्लास्टिक कितना यूज़ हो रहा, प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा, चाहे वो सागर तक वो पहुंच जाता है पोल्यूशन, चाहे वो रास्तों पर भी हम देखते हैं कि कितना होता। तो ये सब जो इकट्ठी करके हम बातें देख रहे हैं, उसका कारण कि एक तो कंज्यूमरिज्म और दूसरा फिर अब जो हमारे जीवन में बहुत सारा आधारित बन गया है तेल, मानो कि पेट्रोल, जिसमें गाड़ियों को चलाना, एरोप्लेन चलाना, अपनी इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए, AC चलाने के लिए, अपना हीटर चलाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ये सब जो इकट्ठा करके हम देखते हैं, उससे जो धुआएं निकलती है, उससे जितना पोल्यूशन हो रहा है, मानो कि यहाँ से थोड़ा ही दूरी तक देख सकते और आगे कुछ नजर नहीं आता, इतना तक कई कई स्थानों पर पोल्यूशन आ चुका है। तो ये सब बातों को सोच करके UN ने 27 वर्षों से लेके क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया है, जिसको कहते हैं COP। तो हर साल जिसमें सबके गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल लोग आकर के पहुंचते हैं, कभी कभी तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स भी पहुंच जाते, कभी कभी उसे कम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर्स इत्यादि पहुंच जाते। आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या, इसका कारण क्या है
और कौन जिम्मेवार है इसका? किसी स्थान में कई वर्षों के औसत मौसम को वहां की जलवायु कहते हैं। उस स्थान की जलवायु का एक विशेष पैटर्न होता है और इसी पैटर्न में आने वाले परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु में यह परिवर्तन तापमान के कारण होता है। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में अचानक तेजी से बदलाव हो रहा है। गर्मियां लंबी और सर्दियां छोटी हो रही हैं। वहीं मूसलाधार बारिश, बादल फटने, बाढ़, सूखे, बर्फीली हवाओं एवं तूफानों की तीव्रता के कहर का सामना मानव जाति को आए दिन करना पड़ रहा है। कुदरत के इस आक्रामक मिजाज को देखकर मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें, इसका मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही पृथ्वी की जलवायु में घातक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका असर ओजोन लेयर पर भी पड़ रहा है। जितनी ये तेज गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, उससे जो माउंटेन्स में बर्फ है, ग्लेशियर्स है, वो पिघलते जा रहे हैं। दोनों के पिघलने से दो नुकसान, एक तो सागर की स्थिति ऊपर बढ़ती जा रही है और जो छोटे छोटे देश है, आइलैंड स्टेट्स, मानो जैसे कैरेबियन में है, पैसिफिक में है, उनों को सागर ऊपर आते वो देश ही ख़त्म हो रहे हैं। कई देशों की ये हालात है। और फिर साथ ही साथ ये भी हम देखते हैं कि हमें जो ताज़ा पानी मिलता है वो सब आता है पहाड़ों से, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से। हर वर्ष मानो अप्रैल मई मास में जब स्नो पिघलता है हिमालयस में, तो जो हमारे पास इंडस रिवर, गैंजीज रिवर, सब ये नदियों में पानी आता है, ताज़ा पानी, वो पहाड़ों से इस तरह से आता। अभी बता रहे हैं कि ग्लेशियर्स ही सब ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आगे 10 साल के अंदर क्या हालत होंगी, आप विचार करो। Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. मानवता पर मंडरा रहे इस जलवायु परिवर्तन के संकट को टालने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाली नीतियों को तत्कालिक अमल में लाने पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए ही दुनिया भर से लोग मिस्र में एकत्र हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। COP27 in Sharm el-Sheikh in Egypt brought together 194 countries and many delegates from the non-governmental organization community, businesses, and so there were a total of 40,000 who were present at the conference. Bringing governments together is not an easy thing, and the biggest discussion was about loss and damage. Previously, at climate change conferences, there would be discussion about reversing climate change. Then it changed to discussion about adapting to climate change. And now there's the acceptance that there is loss and damage, which unfortunately is now irreversible. And so the countries, the richer countries, who are responsible for the majority of climate change, have now agreed to set up a fund for loss and damage to support the smaller countries who actually experience the greatest impact of climate change,
even though they have hardly anything to do with producing it. And so this is a good milestone, but exactly how much will be in the fund, who will contribute, there's still a lot of discussion to be had. Also in the outcome, there was no agreement on the phasing out of fossil fuels. And this was a great disappointment to many. And so we have to see how things move into the future to think about this very important step and very important change of replacing fossil fuels with renewable energy. The Brahma Kumaris had a good delegation there. We were able to bring across our message that there is indeed a connection between the consciousness and climate. At the moment, we see a lot of violence in human consciousness, whether it's anger, hatred, fear, which is also a violence to the self. And all of this has an impact, of course, first on the self, the person, the being, but also on the community around me. And it also has a direct impact on nature itself. And now people are becoming more and more conscious of this connection. And of course, when there's fear, where there's anger, where there's greed, then when decisions are taken, generally they're taken through the lens of finance and the lens of growth, which is unsustainable, rather than through the lens of the benefit for the whole of humanity and through the lens of the sustainability of our planet. Brahma Kumari Sanstha ki additional chief BK Jayanti Didi ne ग्लोबल वार्मिंग के संकट की मूल वजह का एक ऐसा पहलू भी बताया है जो कि बड़ा ही गंभीर है। अगर उनकी बात पर गहराई से चिंतन किया जाए तो निश्चित ही इस ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की दिशा में हम महत्वपूर्ण कदम उठा सकेंगे। ब्रह्मा कुमारीज का एक कैंपेन चला है जो हम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस में भी बताते हैं और वैसे भी सबको बताते हैं कि कंस्यूमरिज्म का कारण क्या। हम समझते हैं कि ये एक्सटर्नल चीज़ें खरीद करके हम अपने जीवन को सुख आराम और चैन से रह सकते, परंतु रियलिटी तो ये है, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितना भी बड़ा मकान हो, आत्मा को तो कितनी जगह चाहिए रहने के लिए, शरीर को भी हम देखें कितने कमरों में आप रह सकते, तो हमें ज़्यादा बड़ा मकान नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए और जूते नहीं चाहिए और कपड़े नहीं चाहिए, इनफ है, बिल्कुल इनफ है, परंतु हम अपने अंदर में संतुष्टता धारण करें। जब हम अंदर की स्थिति को संतुष्ट बनाकर रखते हैं और उससे हम खुशी और अनुभव करते हैं कि कैसे वो बढ़ती जा रही है, तो हमें ये नहीं होता कि हमको चाहिए चाहिए चाहिए, वो समाप्त हो जाता। और दूसरा फिर जो सिंप्लिसिटी की लाइफ में आती है, तो सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग का जो मंत्र है वो हम अपने जीवन में अपना सकते, और साथ ही साथ जो अपना वैष्णव भोजन है, वैष्णव भोजन से भी बहुत कुछ पर्यावरण की रक्षा हो सकती। तो ये तो दो बातें मैंने बताई, परंतु योग अभ्यास द्वारा अपना जो कॉन्शियसनेस चेंज होता, जिसमें हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो उससे हम जीवन में परिवर्तन ला करके पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है कुछ कंट्रोल हो सके। आज बस इतना ही। हर महीने के अंतिम रविवार देखना ना भूले एको ऑफ पीस, पीस न्यूज पर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।